ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। नुक्कड़ सभा के बाद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बोला है और नए कीर्तिमान झूठ के बना रही है। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हमीरपुर के झनियारा में नुक्कड़ सभा के बाद अनुराग ठाकुर ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बोला है और नए कीर्तिमान झूठ के बना रही है। साथ ही कांग्रेस ने देश के लाखों करोड़ खाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2019 में एमपी के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पास करोड़ों रुपए मिले हैं, तो कमलनाथ के बेटे की करोड़ों रुपए की संपत्ति बताते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बातें कर रही हो, ऐसी बातें हजम नहीं हो रही है। इसलिए इन चुनावों में जनता को जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा। जिस पार्टी ने सदा झूठ बोलने का काम किया है, ऐसी कांग्रेस पार्टी जो देश भर और दुनिया भर में नए कीर्तिमान झूठ के कर रही है, उसको तो जवाब देने का कोई तुक नहीं बनता। मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस ने देश के लाखों करोड़ खाए हैं। जनता ने 2014 में भी उनको घर पर बिठाया था, 2019 में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पास अगर करोड़ों रुपये मिलते हैं, 281 करोड़ रुपया वहाँ पर मिलता है, हज़ारों करोड़ रुपये के घोटाले का पता चलता है। कमलनाथ जी के बेटे 650 करोड़ रुपये की संपत्ति की घोषणा करते हैं, कमलनाथ जी 200 करोड़ की करते हैं, जहां हज़ार हज़ार करोड़ रुपया एक मुख्यमंत्री के पास नज़र आता हो, वो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर बात करे, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। जिस पार्टी के नेता बेल पर हों, जमानत पर हों, वो भी भ्रष्टाचार के मुकदमों पर, देश का करोड़ों रुपये टैक्स उन्होंने पे करना हो, जनता को जवाब उनको देना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीयत है और न ही नीति है। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने में लगा हूं, जिसके चलते कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि खेलों के मामले में कांग्रेस ने केस दर्ज करवाए, जिनमें बरी होकर निकला हूं। इन चुनावों में कांग्रेस को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता बेसब्री से जवाब देने के लिए इंतजार में है। ना नीयत है, ना नीति है, ना उपलब्धियां हैं। मैं अपनी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचा रहा हूं। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य से देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष सचिव बनना कोई छोटी बात नहीं थी, और जितने मेरे खिलाफ मुकदमे कांग्रेस ने किए, सबके सब मैं जीता हूँ। कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है, इसलिए कांग्रेस जरा इतिहास को उठाकर देखे। इन्होंने स्टेडियम पर ताले लगवाए, तब भी कोर्ट ने इनको लताड़ लगाकर खुलवाई। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए, मैं सारे मुकदमे जीता। कांग्रेस को हर बार मुंह की खानी पड़ी, इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी।